हमारे होटल के इस साइड से देखो, बड़ा सा अपार्टमेंट है इधर। वेलकम बैक टू रिवॉल्विंग कंपास। तो आज हम आपको अपने साथ ले चलते हैं उडुपी की लोकल साइट सीइंग पे, उडुपी टूर के लिए। तो हम लोग सब कुछ रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट क्रॉस हो गया है, बस अब हम निकल ही रहे हैं। और आज मैं खुद नहीं ड्राइव कर रहा हूँ कार, आज हमने एक कैब हायर किया है। तो आजकल पार्किंग के लिए मुर्देश्वर गए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो पता चला हर जगह पार्किंग का यहाँ इशू होगा। तो हमने कैब हायर किया कि पार्किंग का हमारा टेंशन नहीं है, टाइम बचेगा, हम अपना साइट सीइंग पे निकलेंगे और कैब के ड्राइवर जो हमारे साथ होंगे वो पार्किंग के लिए पार्किंग का केयर कर लेंगे। तो बस तो चलिए अब साथ चलते हैं, अभी निकलते हैं उडुपी के लिए। हमारी कैब आ चुकी है और अब जाकर उस पर लोड होते हैं हम लोग। ड्राइवर हमारी कार लेके आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कार के आने का। कार आती है फिर निकलते हैं उडुपी। कार आ गई, चलो चलो चलो, हमारी कार आ गई। उडुपी की ट्रिप स्टार्ट हो गई है। आज हम लोग इनोवा में बैठ के जा रहे हैं, इनोवा करके। तो अभी हम लोग मैंगलोर के टाउन ही क्रॉस कर रहे हैं। दिस शॉट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ पैसेंजर। इससे पहले तो ड्राइविंग के एंगल से करते हैं, ड्राइविंग सीट पे, अभी पैसेंजर के एंगल से। दिस इज NIT सूरतकल, वो दिख रहा है सूरतकल का कैंपस एंट्री गेट। स्ट्रेट सीधा जो गया था मुर्देश्वर रमन बनते के हाईवे कंटिन्यू। तो हम लोग अब ऑफिशियली उडुपी टाउन के अंदर है। सो ये है उडुपी टाउन के इनसाइड का। तो हम लोग पार्किंग लॉट में आ गए, अब यहाँ से जा रहे हैं वे टू श्री कृष्णा दर्शन। उधर लिखा हुआ दिख रहा है रेड कलर में, तो उधर श्री कृष्णा टेम्पल जाने का है। परफॉर्मेंस चल रहा है और ये देखो कितनी बड़ी क्यू लगी हुई है। तो देखो ये बड़ी सी अभी पूरा क्यू है, पता नहीं कितने। चलो अभी तो कुछ मूवी नहीं हो रहा है, देखते हैं कैसे किस से होगा। उडुपी का जो कृष्णा टेम्पल है ना, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है कृष्णा टेम्पल के नाम में। और इसको उडुपी को इसलिए साउथ का मथुरा भी बोला जाता है। और यहाँ पे सब क्या यूनिक बात है कि ये बाल कृष्णा का मंदिर है, बाल कृष्णा का। नॉर्मली सब जगह कृष्णा के बड़े रूप का, ये बाल कृष्णा का है। और इसके हम कहा जाता है कि ये बाल कृष्णा रूप में अवतार इसलिए लिए थे क्योंकि एक देवकी जो ओरिजिनल मदर थे जो कृष्णा को बर्थ दी थी, और ऑफ कोर्स यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था। तो देवकी ने कृष्णा से बोला कि वो तो कभी उसका बाल स्वरूप का मजा ही नहीं ले पाई थी, बिकॉज सारा पालन पोषण यशोदा ने किया था और वो बाल स्वरूप का कभी मजा ही नहीं ले। तो वो अपने देवकी माता को इसको पूरा करने के लिए बाल स्वरूप का जो धारण किया था, और यहाँ पे वही मंदिर है उसी के अंदर। देखो ये पूरा श्री कृष्णा टेम्पल मठ के स्टाइल में बना हुआ है, तो इसे श्री कृष्णा मठ भी बोला जाता है। सो ये गीता मंदिर उडुपी, जो अभी लंबा है थोड़ा, ये वे टू कृष्णा दर्शन का बोर्ड लगा है, स्ट्रेट जाना है। ये अभी काफ़ी लंबा है, अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो ये कृष्णा टेम्पल मठ के रूप में बना हुआ है, और इस मठ को बनाया था 13th century में, वो वैष्णव संत थे, उनका नाम था श्री जगत गुरु माधवचार्य। तो वो 13th century में ये मठ का
स्थापना किए थे श्री कृष्णा मठ का। तो इसमें श्री कृष्णा टेम्पल है मेन, जो उनका बाल स्वरूप वाला टेम्पल है उनका मेन टेम्पल है। इधर भी देखो कुछ कुछ टेम्पल सब नज़र आ रहे हैं। यहाँ शॉप शॉप सब है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अपने साथ मॉन्यूमेंट्स ये सब लेने आए तो ले सकते हो। मठ कम्प्लेक्स के अंदर ये शॉप है, दिख रहा है श्री कृष्णा मठ उडुपी का श्री धन्वंतरी फ्री क्लिनिक, हमारे आयुर्वेद के देव उनके नाम पर फ्री क्लिनिक है धन्वंतरी फ्री क्लिनिक। स्लोली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ा पास तो आ रहे हैं जहाँ से अंदर जाते हैं। अराउंड 11:30 हम लोग क्यू में खड़े हुए थे, 11:48 अभी हो रहा है, 18 मिनट से हम लोग थोड़ा सा बढ़े हैं। नेक्स्ट थोड़ी देर हम लोग स्पीड में आए फिर स्लो गए। वहाँ पर दिख रहा है सेड, हम लोग उस सेड में जाने का है, मतलब वो भी तो क्यू कितना आगे तक है पता नहीं। चलो इधर भी शॉप वॉप सब है, ये गेस्ट हाउस है उसके नीचे, ऊपर ये देखो गेस्ट हाउस है, मतलब आने के रुकने का व्यवस्था है। और क्यू का साइज देखो, अभी पीछे से आ रही है, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट मठ है यहाँ पे। ये है श्री कृष्ण का मेन टेंपल, जिसके बाहर पूरा भीड़ है। ये देखो श्री कृष्ण का मेन टेंपल, ये बड़ा सा पूरा टेंपल का साइज काफी बड़ा है। इसमें लगता है सारा अवतार है उनका, सारा अवतार है, 52 अवतार, बड़ा अवतार, मत्स्य कश्यप, सारा अवतार का है। और इधर भी एक मठ है, श्री कृष्णा मठ उडुपी, यहाँ भी बहुत भीड़ है इसके अंदर भी जाने का। सब मठ सब इधर हैं चारों तरफ, 8 मठ हैं शायद, तो वो मठ सब हैं चारों तरफ इधर बने हुए। और इस कम्प्लेक्स के अंदर ही मार्केट वर्केट सब है, रहने का मठ मंदिर सब कुछ है। ये इधर घूमने में बड़ा अच्छा लग रहा है, खुला खुला फ्रेश एयर। ये इनका ऑडिटोरियम टाइप का है ना, मंच परफॉर्म करने वाला ये। ये भी कोई टेंपल का मेन टेंपल का ही अलग अलग लगता है, नॉर्थ एंट्रेंस। इधर से एग्जिट, इधर से एंट्री नहीं, वो टेंपल में एंटर होके इधर से एग्जिट हो रहा है, श्री कृष्णा मठ उडुपी नॉर्थ एंट्रेंस। इधर मठ में कॉलोनी सब टाइप का रहने का बना हुआ है, और रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट सब है, मतलब भगवान का दर्शन करो, हर टाइप का शॉपिंग करो, खाने का रेस्टोरेंट है, जाओ रहना है, गेस्ट हाउस है, आराम कर लो रह लो, सब व्यवस्था है मठ के अंदर। मेडिसिन शॉप भी है देखो, इधर भजन कीर्तन भी हो रहा है इसमें अंदर, भजन कीर्तन बड़ा सात्विक फीलिंग है इधर, पूरा पूजा पाठ पाठ सात्विक फीलिंग इधर रहते हैं। और यह है कनकुंडी में देखो, वहाँ पे वो विंडो बना हुआ है, उस विंडो के थ्रू आप श्री कृष्ण बाल कृष्ण का झांकी ले सकते हो, दर्शन कर सकते हो। डायरेक्शन में जो दिखा रहा हूँ ये वेस्ट है, और यहाँ पे जो ये विंडो है ये वेस्ट फेसिंग है। तो यहाँ ये पहला एक टेम्पल है जहाँ श्री कृष्ण का मूर्ति है वो वेस्ट फेसिंग है। तो कहा गया कि श्री कृष्ण के एक मित्र थे जो उनसे मिलने आए थे, पर वो लोअर कास्ट थे, तो श्री कृष्ण से उनको मिलने नहीं दिया, मतलब उनको दर्शन नहीं करने दिया श्री कृष्ण का, लोअर कास्ट होने का। तो उसी के लिए श्री कृष्ण नाराज होकर अपना चेहरा वेस्ट तरफ के इधर मुड़ लिए थे,
और इधर दीवार में क्रैक आ गया था और क्रैक से उनका जो आए थे उनको दर्शन करने जो लोअर कास्ट के थे वो उनका दर्शन कर पाए थे। और उसके बाद जहाँ पे क्रैक था वहीं पे एक विंडो बनाया जिससे वो दर्शन कर लोग झांकी ले सकते कृष्ण का। तो ये स्टैचू जहाँ से कृष्ण वेस्ट साइड में फेस किए हुए वेस्ट देखते हैं। तो श्री चंद्रमौलेश्वर देवालय तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ और बढ़ गई है इधर। तो हम लोग तो कृष्णा मठ से निकल गए, अब सोच रहे हैं कि जाके कहीं पर लंच किया जाए। तो कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ पे लंच वंच करते हैं फिर आगे का। तो हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, अभी जब जा रहे थे उदुपी में मतलब टेंपल साइड तो ये दिखा था केजगोर गजेबो, इसी में है गोकुल कृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट, तो हम लोग उसमें जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है नॉन वेज रेस्टोरेंट लेफ्ट जाना है, प्योर वेज के लिए राइट, एकदम एरोल वगैरह सब लगाया हुआ है। मैंने नॉर्थ इंडियन डिलक्स थाली मंगाया है, तो इट्स स्टार्टेड विद सूप टोमेटो सूप, तो वो आ गया और थाली आएगा डाल। दिस इज माई नॉर्थ इंडियन थाली फुली लोडेड नॉर्थ इंडियन डिलक्स, एक नॉर्थ इंडियन मिनी था हमने डिलक्स मंगाया 235 था कुछ, और नॉर्थ इंडियन मिनी का कुछ 199 था। तो देखो दो नान एक रोटी सब है। लंच गोकुल कृष्णा वेज में हो गया एंड फूड वॉज वेरी अमेजिंग, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, काफ़ी अच्छा सर्विस हुई था, फूड भी काफ़ी अमेजिंग था। सो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस इन उडुपी बिकमिंग गोकुल कृष्णा वेज, पीछे दिख रहा है आप यहाँ आ सकते हो, खूब मज़ा आएगा खाने में, मतलब काफ़ी अच्छा था, प्राइस भी रिजनेबल है, सर्विस तो एक्सेप्शनल था, सो इट्स अ गुड प्लेस फॉर लंच। हम लोग अब जा रहे हैं उडुपी का फेमस आइकॉनिक बीच मलपे बीच, वहाँ के लिए निकले हैं अभी। और तो पूरा फिश का बड़ा सा है, ओ पोर्ट है यहाँ, मलपे पोर्ट, ये देखो मलपे पोर्ट है यहाँ, फिश विश का पूरा बाप रे कितना ज़्यादा है। ये देखो उडुपी कोचिंग शिपयार्ड, और हम लोग आ गए हैं मालपे के पार्किंग में, सी वॉक पार्किंग, मालपे सी वॉक पार्किंग, यस मालपे सी वॉक का पार्किंग है। और यहाँ से देखो समुद्र, मालपे वहाँ देखो बोट बना हुआ है, कुछ लोग बोट को धक्का दे रहे हैं। उधर लग रहा है सी वॉक है, गो टू सी वॉक, देखो कितना मस्त है टाइगर, टाइगर यस फनी है ये, देखो लोग कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। फिश यहाँ देखो फिश है, देखो इधर सारे शॉप वॉप सब कुछ है, रिफ्रेशमेंट प्राइस ये सबके आइलैंड, वो सेंट मैरी आइलैंड देखो वहाँ दूर में दिख रहा है सेंट मैरी आइलैंड। हाँ और देखो यहाँ पे फिशरमैन और उसका बोट का स्टैचू बना हुआ है, ये देखो फिशरमैन के बोट्स, और दिस इज सी वॉक, ये सी वॉक है, ये देखो अभी हम लोग सी वॉक पे चल रहे हैं, यही सी वॉक है। देखो उधर उडुपी कोचिन शिपयार्ड करके है, उसका बड़ा सा दिख रहा है आपको वो बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग बोलो या जो भी। और इधर देखो एक और बोट आ रही है, फिशरमैन के बोट आ रहे हैं फिश पकड़ के, उस सबके पीछे एक छोटा नाव आ रहा है, देख रहा हूँ जितने गए ना बड़े बोट उसके पीछे एक छोटा नाव, तो लगता है बीच सी में दूर जाके बड़े बोट पार करते होंगे फिर छोटे बोट में उतर उतर के फिश कैच करके बड़े बोट पे लाते होंगे। Thank you.
ऑलमोस्ट हम लोग किनारे पे पहुंच गए सी वॉक के। हम लोग आ गए सी वॉक के किनारे पे, दूसरे डेड एंड पे। देखो बहुत से आइलैंड दिख रहे हैं, उधर एक आइलैंड, फिर उधर साइड देखो आइलैंड, तो जगह जगह आइलैंड सब बहुत सारे दिख रहे हैं बीच बीच में। यहाँ पे फूड कोर्ट आइसक्रीम भी है, मतलब इतनी धूप में अगर आ रहे हो तो आपको जरूर जरूरत पड़ सकती है। और इधर पानी पूरी उड़ी स्टॉल, नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है हमारा, पानी पूरी स्टॉल सब कुछ है। हाँ हाँ, चलो जल्दी से पार्किंग में जाते हैं, फिर से कार में बैठते हैं। ये मस्त क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ, सैंड का बना हुआ मॉडल टाइप का है सब। देखो इधर देखो, देखो सामने देखो, इसी वापस से मैंगलोर कसारगोड वाला हाईवे पे आ रहे हैं फिर से। कापू बीच जा रहे हैं, कापू कल जाना है। हाँ कल मॉर्निंग निकल रहे हैं हम लोग। कापू बीच के लिए डायरेक्शन ले लिया, हाईवे छोड़ के उतर गए हैं और ये रास्ता में कापू बीच ले जाएगा। देखो हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तो मैं जंगल में उतार दूंगा। कापू बीच जाने का रास्ता मस्त गांव से जा रहा है, एकदम ग्रीनरी जबरदस्त है, गांव लग रहा है कि जंगल के बीच में बसा हुआ ऐसा फील दे रहा है। तो हम लोग कापू बीच के पार्किंग में आ गए हैं, ये कापू बीच का पार्किंग है पूरा। यहाँ धूप का इंटेंसिटी अभी कम है और हम लोग अब बीच के साइड में जाएंगे, पढ़ेंगे। होम स्टे सब भी आसपास में, ये कुछ टेंपल दिख रहा है लग रहा है। फिर हम लोग अब कापू बीच की साइड में पढ़ रहे हैं। इधर से जाने का कापू बीच अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे साफ सुथरा है इधर तो। ये पूरा अच्छा स्टॉल स्टॉल सब बना हुआ, पूरा शाम को एकदम मस्त हैपनिंग होता होगा यहाँ। लैंडस्केपिंग इसके अराउंड बहुत खूबसूरत से किया हुआ है, जहाँ पे फूड स्टॉल ये सब है काफ़ी अच्छा से। देखो ये पेड़ के अराउंड भी बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ सकते हो, सारा फूड स्टॉल सब पूरा अच्छे से लगा हुआ है, तो लैंडस्केप बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। तुम पानी पूरी खा सकते हैं, ये देखो पानी पूरी काउंटर। ये गोवा जैसा पूरा बना हुआ है, सैक वैक मस्त गोवा वाला फील है। Venturing into the sea is prohibited. Hey, देखो this is the Kapu Beach. और उधर Kapu Beach का लाइट हाउस भी है। यह है इधर से लाइट हाउस पे जाने का रास्ता है। देखो उधर पूरा स्टेयर्स बना हुआ है और फूड आउटलेट वोटलेट सब है। शीशो रेस्टोरेंट है यहाँ पे कुछ पीने होने का। और वो है लाइट हाउस, जा सकते हैं उस पे। सैंड में जाना होगा, सैंड में नहीं जाना। तो लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर चढ़ना होगा लाइट हाउस के लिए। और ये व्हाइट सैंड है ना, तो ये अच्छा सैंड है, व्हाइट सैंड, ये बेटर सॉफ्ट है। यस सॉफ्ट है। कॉप दीप स्तंभ, कॉप लाइट हाउस, इसके ऊपर चढ़ना होगा लाइट हाउस। अभी देखो लाइट हाउस पे चढ़ना ही शुरू किया, यहाँ से क्या अच्छा व्यू आ रहा है हमें। लाइट हाउस के बॉटम में आ गए, लाइट हाउस यहाँ से उसके ऊपर जाना तो नहीं अलावा है, पर यहाँ से गेटिंग अमेजिंग व्यू।
यहाँ से देखो खाली नारियल का दिख रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन नारियल भरा पड़ा है पूरा कोस्टल लाइन के राउंड। और इधर बैक वाटर है पीछे। इतने स्टेयर्स नीचे उतर के जाएंगे नीचे, इतने स्टेयर्स डाउन। हर समय कोई कुछ कुछ इधर उधर डालते रहते हैं, वो बैड मैनर्स होता है, वो बैड लोग होते हैं। हमें बैड नहीं बनना है, गुड बनना है। कचरे को डस्टबिन में डालेंगे। हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत लगा हमें ये बीच, काफ़ी साफ़ सुथरा मेंटेन्ड है। हर जगह देखो डस्टबिन डाला हुआ है, वो ब्लू ब्लू दिख रहा है। सेम पीछे भी ग्रीन कलर का हर कुछ कुछ दूर डस्टबिन भी डाला हुआ है ब्लू ग्रीन। तो आप कचरा मत फेंको, डस्टबिन में डालो। और काफ़ी साफ़ सुथरा मेंटेन है, जिस तरह से इसका लैंडस्केपिंग लेआउट इसके अराउंड है, काफ़ी मस्त लग रहा है। ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट बीच वी हैव बीन टू। इन बात गोला ट्राई करने जा रहा हूँ, काला खट्टा। उदुपी मैंगलोर दोनों जगह ना हम ऑटो स्टैंड देखें, बड़ा मस्त है। वो शेड बनाए हुए हैं लोग, और वो शेड के अंदर ऐसे खड़ा रखते हैं ऑटो, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, उसे ठंडा रखने के लिए शायद। हमारा कापू बीच हो गया, कापू बीच से हम आ गए हैं। थोड़ा रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट भी सब कर लिए, और अब जा रहे हैं अपना कैब लेने और वापस अब सीधे मैंगलोर होटल निकलेंगे। थोड़ा बहुत आराम करेंगे क्योंकि कल सुबह फिर लंबी ड्राइव है बेंगलोर तक। तो लेट्स स्टार्ट बैक। ट्रेन पास आए, हमें कुछ दिखा है, ये भी कुछ श्री बाबड़िया टेम्पल कापू, श्री बाबड़िया टेम्पल कापू है। चलो अब अपनी गड्डी में बैठते हैं, चलते हैं। चलो अब हम कापू बीच से निकल चुके हैं मैंगलोर के लिए। कापू बीच आने का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सीनिक है। कंट्री साइड विलेज वाला रास्ता, एकदम जंगल का ग्रीन ग्रीन। हाईवे पे अब आ गए हैं, जो कि NH66 है, मैंगलोर वाला हाईवे। अब इस पे स्ट्रेट सीधा हम लोग मैंगलोर। तो हम लोग आज उदुपी का पूरा साइड सपाटा सब करके वापस अपने होटल रूम में आ गए हैं, और अपने होटल के रूम से अभी सनसेट दिख रहा है और सी का एक व्यू आता है। तो आज स्काई थोड़ा क्लियर है, तो सी का पूरा व्यू आ रहा है। सी के ऊपर देखो हमें सनसेट हो रहा है, और ये थोड़ा जूम करो तो ये देखो सी है, उसके ऊपर सनसेट हो रहा है। तो हम आज के इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको उडुपी का टूर पसंद आया होगा। इफ़ हमारे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ डू कंसीडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जहाँ हम मैंगलोर से बेंगलोर वापस जा रहे होंगे। तो आप के साथ उस वीडियो में मिलते हैं, फिर आपको हम अपने साथ बेंगलोर से बेंगलोर ले चलते हैं। तब तक आप मज़े में रहिए, मस्ती में रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।